से पठानकोट हमले में गृह मंत्री का बयान सामने आया। पठानकोट हमले पर बोले राजनाथ सिंह और कहा कि ऐसे हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे, हमें सेना पर नाज है। ये राजनाथ सिंह ने कहा, हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते हम चाहते हैं, पाकिस्तान से शांति चाहते हैं, ये राजनाथ सिंह ने कहा कि और हमारी सेना सक्षम है ऐसे हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और हमारी सेना ये जवाब दे भी रही है। पठानकोट हमले में 2 जवान शहीद हुए, 4 आतंकी मारे गए। नहीं, आज सुबह 3 बजे पठानकोट में हमला हुआ है और हमारे सेना के जवान एनएसजी और हमारी पंजाब की पुलिस उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ऑपरेशन इस समय चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम चाहते हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर यदि किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। और मुझे खुशी है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हमारी पंजाब पुलिस इस समय पठानकोट में जो कुछ भी हो रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। देश को अपनी जितनी सेना और जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर नाज है। और बड़ी खबर यह है कि इस आतंकी हमले के बाद सभी रक्षा संस्थान अलर्ट पर हैं, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हम आपको बता दें कि आज सुबह 3 बजे पठानकोट के एयरबेस पर हमला हुआ, इसके बाद ही सभी रक्षा संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, इन्हें अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से आसानी से आतंकी यहां पर घुसे, हालांकि उसके बाद ही आतंकियों को बाहर गिराया गया, ये एक बड़ी चिंता के बाद गंभीरता है दिखाती इस बात को लेकर कि हमें कितनी चौकसी की जरूरत है। दोपहर 2 बजे फिलहाल रक्षा मंत्री दिल्ली पहुंचेंगे, ये खबर मिल रही। सभी रक्षा संस्थानों की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी, एनएसए भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए इस मीटिंग में शामिल होंगे, तीनों सेना के प्रमुख भी बैठक में शामिल होंगे। तो दोपहर 2 बजे ये बैठक शुरू होगी। जितने भी रक्षा संस्थान है उन्हें अलर्ट किया गया है, आतंकी हमले के बाद ही सभी रक्षा संस्थान अलर्ट पर है। जब भारत की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है तब तब सीमा पार से आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान कब अपनी हरकतों से बाज आएगा। 25 दिसंबर को पीएम मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए अचानक लाहौर पहुंचे थे, जिससे पाकिस्तान में बैठे आतंकी गुट बौखला गए थे और फिर उन्होंने पठानकोट में आतंकी साजिश को अंजाम दिया। ये 2 तस्वीरें उस वक्त की जब 25 दिसंबर को पीएम मोदी पाकिस्तान पहुंचे थे लाहौर, और देखिए आज सुबह 3 बजे पठानकोट में ये आतंकी हमला हुआ। पठानकोट में आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि हमले से पहले आतंकियों ने सीमा पार किया था, फोन भी किया था और सीमा पार बैठे आकाओं से आतंकियों ने बातचीत भी की थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से आतंकियों ने यह बातचीत की थी। कल रात 4 बजे आतंकियों की बातचीत हुई थी। रात 12:35 से 1:40 के बीच आतंकियों की बातचीत हुई। आतंकियों ने पठानकोट से पाकिस्तान बात की थी। रात में आतंकियों की कॉल ट्रेस हुई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, खुफिया विभाग से यह जानकारी मिली है। तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से आतंकियों ने बातचीत भी की थी और सीमा पार से घुसपैठ की, उसके बाद ही इस हमले को अंजाम दिया। उधर जासूसी के आरोप में रंजीत से होगी पूछताछ, पठानकोट हमले पर होगी पूछताछ। क्राइम ब्रांच रंजीत से पूछताछ करेगी। रंजीत पर ISI की जासूसी का आरोप है, एयरफोर्स में काम करता था यह रंजीत। पठानकोट हमले पर ही उससे पूछताछ की जाएगी रंजीत से, क्योंकि जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई और जो इनपुट इसके पास से मिले थे कि इसने खुफिया जानकारियां, कई तस्वीरें पाकिस्तान भेजी हैं, उससे बेहद अहम है, क्योंकि शक इसी पर है कि इसी ने ISI की जासूसी की हो। पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है। खबरों की माने तो आतंकियों ने तड़के सुबह 4 बजे के करीब एयरफोर्स स्टेशन को अपना निशाना बनाया। जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं आतंकियों का मुकाबला करते हुए 3 जवान शहीद हुए हैं। मौके पर सेना, एयरफोर्स और एनएसजी के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। ये आतंकी पाकिस्तान से आए हैं और बड़े हमले की फिराक में थे। खबरों की माने तो एयरफोर्स स्टेशन में आतंकी 3 तरफ से दाखिल हुए और ये सेना की वर्दी में थे। फिलहाल पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। एनएसए अजीत डोभाल खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने, जब सुबह 2 आतंकी मारे गए, 3 बजे 3 तरफ से दाखिल हुए थे आतंकी, चप्पे चप्पे पर नजर है। हेलीकॉप्टर से भी अब निगरानी की जा रही है, तलाशी अभियान भी तेज कर दिया गया। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है।
एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई है। जब आपके एरिया पे हमला हो चुका है, एसपी किडनैप हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन को उसने किडनैप कर लिया है, फिर आपको वो एरिया मिलिट्री को हैंडओवर कर देना चाहिए था। कमियां हैं आपके पूरे सिक्योरिटी सेक्शन, सिक्योरिटी एरिया में जो हमला हुआ है, इंटेलिजेंस की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। जब आपके सिविल गवर्नमेंट को पता चल गया था ये हुआ है, उन्होंने मीटिंग क्यों नहीं करी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वेकअप करना चाहिए था ये क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर को वेकअप करना चाहिए था ये क्या हो रहा है। गुरुवार की रात को पांच आतंकवादी स्वयं में इन लोगों को किडनैप करके ले गए, उनके पास फेंका गया है। और ये हमला कल रात को शुरू हुआ तो कम से कम 24 घंटे से ज्यादा का समय था, इसमें भी इन लोगों को पकड़ नहीं पाए। ये बिल्कुल आशंका थी कि कहीं न कहीं हमला होगा, इसमें जरूर चूक हुई है, जिसकी भी चूक हो वो इन्वेस्टिगेशन की जाए और पता किया जाए। तो पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन क्यों अहम है ये हम आपको बताते हैं। एयरफोर्स स्टेशन सीमा के पास है ये पठानकोट, ये देखिए। और एयरफोर्स स्टेशन युद्ध की स्थिति में पूरी रणनीति को यहीं से अंजाम दिया जाता है। 9 जुलाई 2015 को जम्मू कश्मीर के शोपियां में कोर्ट परिसर में हमला हुआ था। कब इस साल आतंकियों ने हमला किया, 4 जून 2015 को भी मणिपुर में हमला हुआ, 28 दिसंबर 2014 को बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट इलाके में ब्लास्ट और एक शख्स की मौत हुई थी, 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए, 16 लोगों की मौत हुई, 2013 की घटना थी, 2011 में भी मुंबई में के 3 इलाकों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 26 लोगों की इसमें मौत हुई थी, 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी में ब्लास्ट हुआ, यहां पर 17 लोगों की जान गई थी, 2008 को 10 आतंकियों ने मुंबई में हमला किया था, आपको याद होगा 171 लोगों की इसमें मौत हुई थी। और सीधा रुख करते हैं प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, किस तरीके की स्थिति इस वक्त है, क्योंकि दिल्ली में भी हलचल है, 2 बजे अहम मीटिंग भी होने वाली है, खुद एनएसए इस पूरे ऑपरेशन को संभाल रहे हैं, स्थितियां हैं क्या? एक तरफ बातचीत का रास्ता दूसरी तरफ दिखा, लेकिन अब क्या, किस तरीके की रणनीति होगी? देखिए, रणनीति बताने से पहले सबसे बड़ी बात बता दूं कि अब की इस समय की सबसे जो बड़ी खबर आ रही है वो ये पटियाला कोर्ट से आई है। पटियाला कोर्ट में क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रंजीत को पेश किया और ये कहते हुए उसकी पुलिस रिमांड मांगनी है कि ये शख्स पठानकोट से गिरफ्तार हुआ है, चूंकि ये पूर्व अधिकारी रह चुका है एयरफोर्स का, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इससे लीक हो सकता है ये पूरा मामला। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो पूरी घटना हुई है उसका सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो निश्चित तौर पे पुलिस रिमांड मांगी गई है और पुलिस रिमांड कुछ ही देर में पटियाला कोर्ट की तरफ से मिलने भी वाला है, तो देखना यह होगा कि कितने दिन की और पुलिस रिमांड मिली है। आपको बता दें कि महज 4 से 5 दिन पहले हनी ट्रैप के पूरे मामले में इसको रंजीत के, जो तमिलनाडु का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से एक से बढ़के एक इसने खुलासे किए थे, इसने बताया था कि किस किस तरह से इसने वीडियोग्राफी की थी उन सेंसिटिव जगहों की जहां पे बहुत कम लोग जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सुराग मिलने की उम्मीद इस पूरे मामले में अब आई है। दूसरी बात, हम कहते हैं कि जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संपर्क में हैं। सीधे पूरे मामले पे अजीत डोभाल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी नजर जो पूरा पठानकोट में ये पूरी घटना हो रही है उस पर बनी हुई है। वो एक एक बिंदुओं को जांच पड़ताल कर रहे हैं। मोर्चा इस समय भी जो आर्मी के जवान हमारे हैं, वायुसेना के जवान हैं, वो संभाले हुए हैं। इन दोनों फोर्सेज ने मिलकर, एयरफोर्स ने और आर्मी ने मिलकर ही 4 टेररिस्टों को अब तक मारा है। जाहिर तौर पे 2 हमारे जवान इस पूरे मामले में शहीद हुए हैं, 1 सिविलियन भी घायल हुआ है, लेकिन मोर्चा अभी भी संभाला जा रहा है। हालांकि एक संतुष्टि की खबर ये जरूर आ रही है कि फायरिंग कहीं ना कहीं रुकी हुई है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि सर्च ऑपरेशन जारी है। वजह यह है कि सिर्फ 4 टेररिस्ट मारे गए हैं वही नहीं हो सकते हैं, कुछ और भी टेररिस्ट अंदर हो सकते हैं। यानी कि 5 आतंकवादियों की जानकारी मिली थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कुछ घंटे पहले किडनैप किया गया अधिकारियों को, उसके बावजूद भी वहां की गवर्नमेंट क्यों नहीं जागी, उस एरिया को बैरिकेड क्यों नहीं किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्यों नहीं जानकारी दी गई? बिल्कुल, देखिए 24 घंटे पहले एक एसीपी को हाईजैक किया गया, उसकी गाड़ी को हाईजैक किया गया, उसके मोबाइल को लूट लिया गया, उसके हथियार को लूट लिया गया, और 4 से 5 लोग उस समय उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। जैसे ये पूरी घटना हुई थी, सिर्फ पंजाब ही नहीं, पंजाब से बिल्कुल सटा जो राज्य है जम्मू कश्मीर, वहां पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। यानी कि 24 घंटे पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि कहीं ना कहीं बड़ी घटना हो सकती है, जिसके बाद से हाई अलर्ट तो किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई। सुरक्षा में चूक
होने की वजह जो साफ तौर पे अभी तक बताई जा रही है वो ये कि जो एसीपी की गाड़ी हाईचेक की गई थी उसको लेके जो टेररिस्ट हैं वो अंदर घुसे थे, जो आतंकवादी हैं वो बकायदे सेना की ड्रेस में थे, तो निश्चित तौर पे कहीं कहीं पहचानने की जो चूक है वो हो चुकी है। लेकिन जैसे ही आपको बता दें कि जो पूरा पठानकोट का एरिया है जो एयरबेस बना हुआ है, पहले रास्ते को तो वो पार कर गए लेकिन जैसे ही दूसरे रास्ते पे गए और उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड मांगा वहीं पे वो फंसते नजर आए, जिसके बाद से लगातार फायरिंग हुई। और चूंकि 3 बजे के करीब पूरा ये वाकया हुआ है, अचानक ये सब कुछ हुआ है, तो बताया जा रहा है कि कुछ और आतंकवादी जो हो सकते हैं एक दो वो बेस कैंप में इधर उधर छुप सकते हैं, चूंकि बिल्कुल एयरबेस का जो एरिया है वो लगभग 2 से जी। प्रशांत आप हमारे साथ लगातार बने हुए, दर्शकों को यह बताना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों अहम है पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन, सीमा के पास दरअसल ये पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन है। युद्ध की स्थिति में पूरी रणनीति को यहीं से अंजाम दिया जाता है। 1965-1971 के युद्ध में एयरबेस ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन MiG-21 लड़ाकू विमानों का यह बेस है और यहां इसलिए भी यह बेहद अहम है क्योंकि सीमा से सबसे करीब है यह एयरफोर्स स्टेशन और ऐसे में अहम रणनीतियां यहीं से बनती हैं। हम आपको बता दें कि युद्ध की स्थिति में पूरी रणनीति को यहीं से अंजाम दिया जाता है। आपको याद होगा 1965-71 के युद्ध में भी इस एयरबेस ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन MiG-21 लड़ाकू विमानों का भी एयरबेस है और सीमा के पास चूंकि ये एयरफोर्स स्टेशन है ऐसे में बेहद अहम हो जाता है। पाकिस्तान की सीमा से सबसे करीब एयरफोर्स स्टेशन है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर हिमाचल से नजदीक ये पठानकोट स्टेशन है। युद्ध की स्थिति में पूरी रणनीति को यहीं से अंजाम दिया जाता है। सुबह से लेकर अब तक क्या क्या हुआ पठानकोट में आपको बताते हैं। सुबह 4 बजे आतंकवादियों ने एयरफोर्स स्टेशन में हमला बोल दिया। सेना की वर्दी में एयरफोर्स स्टेशन में दाखिल हुए थे ये आतंकी। सेना और आतंकियों के बीच अभी भी मुठभेड़ चल रही है। 2 सुरक्षा घेरे को तोड़कर एयरफोर्स स्टेशन में दाखिल हुए आतंकी। एयरफोर्स स्टेशन के पास एक बिल्डिंग में 2 आतंकियों के छिपे होने की भी खबर है। सीमा पार से पंजाब के रास्ते दाखिल हुए हैं ये आतंकी और आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंके फिर फायरिंग शुरू कर दी है। आत्मघाती हमले की फिराक में थे ये सभी आतंकी। 6 महीने में पंजाब में दूसरा बड़ा यह आतंकी हमला। जवानों ने आतंकियों को डोमेस्टिक एरिया में ही रोका, तकनीकी क्षेत्र में दाखिल नहीं हो पाए थे आतंकवादी और यहीं पर उन्होंने फायरिंग कर दी। तो सुबह से लेकर यानी 4 बजे से लेकर अब तक जो कुछ हुआ, पहले 2 आतंकियों को मार गिराया गया और उसके बाद कुछ आतंकी भागने में रहे, दूसरा जो सुरक्षा घेरा था उसे तोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन इसी दौरान जैसे वो तीसरे सुरक्षा घेरे की तरफ पहुंचे उन्हें रोका गया और फिर उन्होंने हमला बोल दिया। कितना अहम ये एयरफोर्स स्टेशन है यह आपने देखा है, लेकिन इससे भी जरूरी यह है कि अभी भी जो आतंकी हैं 1 से 2 वो छिपे हो सकते हैं, जिसको लेकर के हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही, सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिली हैं और कांग्रेस ने उठाया कि बहुत गंभीरता की बात है, चिंता की बात है और इसे सरकार को गंभीरता से लेना होगा। जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ भी ऐसे संबंध सुधारने के प्रयास होते हैं तो ऐसी जो ताकतें हैं जो शांति के विरुद्ध हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करने का प्रयास करते हैं और करते हैं। जहां तक भारत की बात है हम इस बात को समझते हैं और हर कदम वो उठाएंगे जिससे हमारे लोगों की सुरक्षा बढ़े और इन ताकतों का पूरी तरह से हम इसको खत्म करें। सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और पाकिस्तान की सरकार से आदरणीय मोदी जी को यह मामला टेकअप करना चाहिए। मोदी जी हाल में ही पाकिस्तान होकर आए हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान से आए उग्रवादियों द्वारा इतना बड़ा आतंकी हमला हमारे फॉरवर्ड एयर बेस पर अपने आप में गहन चिंता का विषय है। तो सेना की वर्दी में दाखिल हुए थे आतंकी और इसके बाद 24 घंटे जो पहले घटना हुई, एक अधिकारी को किडनैप किया गया, उसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, इसके बावजूद भी इससे पूरे इलाके को बैरिकेड करना चाहिए था, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए था। लेकिन जब सुबह आतंकी हमला हुआ उसके बाद ये देखिए तस्वीरें, 2 आतंकियों को पहले मार गिराया गया, चप्पे चप्पे पर इस वक्त निगरानी की जा रही है, हेलीकॉप्टर से भी निगरानी हो रही है, तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है। तलाशी अभियान भी इस वक्त तेज है, अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। आशंका यह है कि 1 से 2 आतंकी और भी हो सकते हैं। अभी तक 4 आतंकियों को मार गिराया गया है, बैरिकेड किया गया पूरे इलाके को और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अगर ये 24 घंटे पहले कोशिश की गई होती तो शायद इस हमले को रोका जा सकता था, लेकिन खुफिया जो सूत्रों से जानकारी मिली थी उसके मुताबिक रात को करीब यानी कि 24 घंटे पहले 1 घंटे के करीब उन्होंने अपने आकाओं से बातचीत की पाकिस्तान में बैठे और उसके बाद ही इस हमले को अंजाम दिया।
और एक बार फिर बड़ी खबर की बात करते हैं। पठानकोट में फिर फायरिंग शुरू हो गई है, संदिग्ध के देखे जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, खुल सकता है मुठभेड़ का दूसरा मोर्चा। सूत्रों से बड़ी खबर इस वक्त, यानी कि जो आतंकी हैं लगातार हम जिसकी बात कर रहे थे, एक से दो आतंकी और हो सकते हैं, वो लगातार छुपे हुए हैं और फायरिंग फिर हो गई है। संदिग्धों को देखे जाने की सूचना इस वक्त मिल रही है सूत्रों के हवाले से, और ऐसा लग रहा है कि मुठभेड़ का दूसरा मोर्चा भी खुलेगा, क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन एक तरफ चल रहा है, हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है, पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है। और अब फिर, क्योंकि अभी तक थोड़ी देर पहले तक फायरिंग रुकी हुई थी, अचानक से ये फायरिंग शुरू हुई है, यानी कि सीधे तौर पर मुठभेड़ का जो दूसरा मोर्चा है वो खुल चुका है और आतंकियों को की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। सेना लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, खुद एनएसएल अजीत गोपाल इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पठानकोट में एक बार फिर फायरिंग शुरू हो गई है और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कई और आतंकी हो सकते हैं, इसलिए पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है। संदिग्ध के देखे जाने की इस वक्त खबर है, जिसके बाद से ही फायरिंग हुई है आतंकियों की तरफ से। सेना मुंहतोड़ इसका जवाब दे रही है, चारों तरफ से घेराबंदी की गई है, लेकिन कुछ देर तक ये फायरिंग रुकी रही। चार आतंकियों को मार गिराया गया था तब तक, लेकिन एक बार फिर से ये फायरिंग शुरू हो गई है।